आज का वीडियो फ्रेंड्स आप सभी लोगों को बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ एकदम न्यू ट्रिक और न्यू स्टाइल में फेमस गुजराती खांडवी, जिसे आप सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट में तुरंत तैयार करेंगे। बिल्कुल नई तरीके से बता रही हूँ फ्रेंड्स, खांडवी बनाना आपके लिए इतना आसान हो जाएगा, फिर बिना किसी मेहनत, बिना किसी झंझट और बिना किसी कुकर, कढ़ाई, अवन के आप ये इंस्टेंट गुजराती खांडवी तैयार कर पाएंगे एकदम स्वादिष्ट और सॉफ्ट, जो मुंह में जाते ही घुल जाए। और ये क्विक ट्रिक खांडवी बनाने की जब आप देख लेंगे तो बाजार से कभी नहीं खरीदेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यू स्टाइल की इंस्टेंट और सॉफ्ट खांडवी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक ग्राइंडिंग जार, और ग्राइंडिंग जार में यहाँ सबसे पहले हम लेंगे एक कटोरी बेसन। मेजरमेंट के लिए घर की कोई भी कटोरी, कप इस तरह सेट कर ले, पूरा मेजरमेंट आप उसी अनुसार कर ले, तो आपको कोई वजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने ये वाली कटोरी सेट की है, इस कटोरी से ही मैं पूरा मेजरमेंट करूंगी। आज की जो ये खांडवी की रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही सरल है, कोई भी बना सकता है और कोई गलती होने का भी सवाल नहीं, सिंपल तरीका। अब नेक्स्ट इसमें मैं डाल रही हूँ 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जैसे मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है, लगभग 3 से 4 हरी मिर्च ली है, स्वाद अनुसार आप ले लें, और इसको भी इसी में हम डाल देंगे। और अब हम लेंगे एक कटोरी खट्टा दही। जिस कटोरी से आपने बेसन लिया बिल्कुल उसी कटोरी या कप से आपको दही लेना है। दही आप खट्टा लीजिए, इससे खांडवी का टेस्ट बढ़िया आता है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा खट्टा भी चलेगा, पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। अब इसमें जाएगी 2 पिंच हींग, इस सबका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है खांडवी में, और जो तरीका और जो रेशो मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही लीजिएगा, एकदम परफेक्ट बनेगी आपकी सॉफ्ट खांडवी। साथ में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, और सभी चीजों का बिल्कुल स्मूथ पेस्ट तैयार करेंगे। और ये लीजिए, मैंने बिल्कुल बढ़िया से सभी चीजों को पीस लिया है, आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ बैटर हमारा तैयार हुआ है, ये देखिए परफेक्ट, बहुत इजी तरीका है, आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। एक लेंगे बड़ा बोल, और बोल में सारा बैटर ट्रांसफर कर लेंगे। अब उसी कटोरी से जिससे हमने बेसन लिया था ना, हम लेंगे 2 कटोरी पानी, बिल्कुल सेम मेजरमेंट से हम इस बैटर में डाल देंगे, यानी 1 कप बेसन ले रहे हैं तो 2 कटोरी पानी लेंगे। एक विस्कर से बिल्कुल बढ़िया से मिक्स कर लेंगे, कोई भी लम्स ना रहे, इसका हमें एकदम पतला घोल तैयार करना है। अब इस खांडवी के प्रोसेस में आपको कोई खांडवी के बैटर को पकाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट वाला काम करेंगे। तो खांडवी बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैटर तैयार है, वो भी बिना किसी मेहनत और बिना किसी झंझट, कोई पकाना नहीं, कोई कढ़ाई कुकर, हमें कुछ नहीं चाहिए। अब यहाँ देखिए ट्रिक, मैंने यहाँ पर लिया है क्विक ट्रिक के लिए एक नॉन स्टिक पैन इस तरीके का। इस पर हम डालेंगे 1 से 2 बूंद ऑयल, और एक टिश्यू पेपर या एक किचन टॉवल से पूरे तवे को कर लेंगे ग्रीस, और तवे पर अब हम डालेंगे हमारा बैटर जो भी हमने खांडवी के लिए तैयार किया ना, बस इस तरह से डाल दीजिए। पतली खांडवी बनाएंगे, खांडवी तभी बढ़िया लगती है, बहुत ज्यादा मोटी बिल्कुल नहीं बनाएंगे। डाल करके बस इस तरह हाथ से कीजिए आप रोटेट तवे को, और पूरे में हम फैला लेंगे एकदम पतली लेयर, बिल्कुल इस तरह से फैला लेंगे। मैंने यहाँ गैस पर एक लोहे के तवे को 5 मिनट पहले ही गर्म होने रख दिया था हाई फ्लेम पर, जो रोटी वाला तवा होता है ना भारी वाला, बस ये मैंने वही लिया है। इसको बिल्कुल बढ़िया से गर्म कर लेंगे, और इसके ऊपर हम रख देंगे हमारा खांडवी वाला तवा बिल्कुल इस प्रकार, और फ्लेम को कर देंगे हाई, और सिर्फ 3 मिनट के लिए इस पर हम लगा देंगे लिड। बस आपके 3 मिनट में इंस्टेंट खांडवी बिल्कुल तैयार हो जाएगी, और तब तक पकाना है खांडवी को जब तक हल्की सी ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। नीचे वाला तवा जो गर्म हुआ है उसकी हीट से जो खांडवी है बिल्कुल परफेक्ट कुक होगी। और लगभग 3 मिनट हो गए हैं, तो चलिए खांडवी को चेक कर लेते हैं, धीरे से लिड को हटाएंगे। वाओ परफेक्ट, आप देख सकते हैं कि जो बैटर है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट से दिख रहा है, एकदम परफेक्ट खांडवी तैयार हुई है। अगर आपको यहाँ पर हल्का गीलापन लगे तो आप 1 मिनट और इसे कुक कर लें। तो गैस को बंद करके तवे को गैस से उतारेंगे, और बस इस तरह से आप इसे पूरी तरह ठंडा होने दें, चाहे तो कुछ देर के लिए पंखे में रख दें, उसके बाद ही हम इसको कट करेंगे, और तब तक और खांड भी तैयार कर लेंगे दूसरे तवे पर। मैंने एक और तवा ले लिया है, उस पर भी डाल देंगे 1-2 बूंद ऑयल की, और अच्छे से कर लेंगे चिकना, और इस पर हम डालेंगे हमारा खांडवी वाला बैटर पतला सा, और पूरे में फैलाएंगे, जितना पतली बनाएंगे उतनी बढ़िया लगेगी खांडवी टेस्ट में भी। तो लीजिए इसको भी रख देते हैं गर्म तवे पर, और बिल्कुल इसी तरह ढक देंगे। ढकने के लिए आपके पास लिड हो तो आप चाहे लिड लगा दें, या कोई बड़ा बर्तन हो इस तरीके का तो वो भी आप ढक सकते हैं, और 3 मिनट इसी तरह हाई फ्लेम पर पकने देंगे, और 3 मिनट बाद इसको भी हम चेक कर लेंगे। परफेक्ट,
गैस को बंद करेंगे, तवे को उतार कर पंखे के नीचे रख देंगे, पूरी तरह ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हम खांडवी को कट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी मेहनत और रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज 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 आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये लीजिए, हमारी एकदम परफेक्ट खांडवी तैयार हो गई है, बिल्कुल बढ़िया से ठंडी हो गई है। तो बस इसको इस तरह से नाइफ से कर लेंगे कट। यहाँ पर बस एक ही बात का ध्यान रखना है, गर्म में आपको खांडवी को बिल्कुल नहीं कट करना है, जब ये पूरी तरह ठंडी हो जाएगी उसके बाद ही इसके रोल बनाने हैं। अब जैसे ये मैंने प्लेन बनाया, इसी तरह आप इसके ऊपर थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और ताजा वाला हरा नारियल कद्दूकस किया हुआ इस तरह से डाल दें, तो इस तरह भी आप खांडवी को तैयार कर सकते हैं। और बस यहां से हल्के से इसको उठाएंगे, ये देखिए बहुत सॉफ्ट होती है खांडवी, खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। और देखा आपने, ऑयल का तो कोई काम ही नहीं है, एकदम हल्की फुल्की। और धीरे धीरे करके इसका एक पतला रोल तैयार करेंगे, बिल्कुल इस तरह। ये लीजिए, हमारी बहुत ही झटपट एकदम परफेक्ट सॉफ्ट खांडवी है बिल्कुल तैयार, वो भी सिर्फ 3 मिनट में। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट बनी है ना, आपकी भी बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो सभी को बिल्कुल इसी तरह से रोल कर हम प्लेट पर निकाल लेंगे और फिर बनाएंगे इसका मजेदार तड़का। तड़का बनाने के लिए मैंने रखा है गैस पर एक तड़का पैन, इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल। ऑयल को मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से गर्म कर लेंगे। अब इसमें जाएगी 1 छोटी चम्मच सरसों, 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच डाल रही हूँ सफेद तिल, अगर हो तो डाल लीजिएगा, बढ़िया लगते हैं। ट्रेडिशनली खांडवी को बिल्कुल इसी तरह से तड़के से सजाया जाता है। और अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा करी पत्ता, गैस को कर देंगे बिल्कुल बंद और डाल देंगे थोड़ी सी तड़के में हरी मिर्च, अच्छे से करेंगे मिक्स। तो लीजिए, हमारा झटपट वाली खांडवी का बहुत ही फ्लेवरफुल सा तड़का है बिल्कुल तैयार। और इस तड़के को भी 1 चम्मच से खांडवी के ऊपर इस तरह लगा देंगे, थोड़ा सा डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा सा ताजा वाला नारियल अगर हो तो, इस तरह सजा देंगे। लीजिए, हमारी इंस्टेंट न्यू स्टाइल में और इस न्यू ट्रिक के साथ गुजराती खांडवी है बिल्कुल तैयार, सुपर सॉफ्ट यमी जो मुंह में जाते ही घुल जाए। तो इस गर्मी में जब कुछ बढ़िया सा खाना हो और झटपट भी बनाना हो तो आप इस खांडवी की रेसिपी को जरूर ट्राई करें, घर में बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आएगी। आप खांडवी को इसी तरह भी इंजॉय कर सकते हैं या किसी भी चटनी डिप के साथ या फिर फ्राइड हरी मिर्च के साथ, बहुत ही बढ़िया लगती है। तो कैसे लगी आपको आज की ये न्यू ट्रिक खांडवी बनाने की, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये बिल्कुल फ्री है, रोज देखिए मेरे साथ एक से एक नई रेसिपी एकदम आसान तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।